जो मैं शेयर करने वाली हूँ लहंगा हॉल जो हमने झटके से ऑनलाइन शॉपिंग में की हूँ और ये लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते ज्यादा मुश्किल, मुझे रहा नहीं जा रहा है इस लहंगा को दिखाए बिना, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लेट्स गेट स्टार्टेड। ये लहंगा मैं ऑनलाइन परचेस की हूँ और ये झटके का ये लहंगा है और इनके जो लहंगे होते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होती है और फेयर भी होती है। इनके लहंगे जो होते हैं झटके के, अभी तक जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं इनके काफी अच्छा खासा इनके रिव्यूज है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और इनफैक्ट इनकी जो लहंगे होते हैं मटेरियल क्वालिटी से लेकर के फ्लेयर से लेकर के इनके हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट होती है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जब ये आपको रिसीव होगा कुछ इस तरीके का झटके का आपको पैकेट में मिलेगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे लोगो बना हुआ है और ये प्रोडक्ट पे इस रैपर पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे मेल आईडी भी है और यहाँ पे फोन नंबर भी है, आप यहाँ पे कॉल कर सकती हैं इंक्वायरी के लिए और ये कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है आपको। तो फिर ठीक है, मैं इनके सारे डिटेल्स वगैरह है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। लहंगा कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। और आप देख सकते हो इसकी कलर कितनी ज्यादा खूबसूरत है और आप जब ये पहनोगे ना प्रिंसेस से कम नहीं लगने वाली हो। आप देख सकती हो इस पे पूरा थ्रेड वर्क किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी की गई है, यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क किया गया आप देख सकती हो और ये आपको पूरे लहंगे में मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वाली फ्रंट में, नहीं आपको बैक फ्रंट मतलब पूरी में आपको इस लहंगे में आपको वर्क मिलता है। और आप देख सकते हो इस लहंगे पे पूरा वर्क किया हुआ है और यहाँ पे कुछ सीक्वेंस का वर्क है, आप देख रहे हो ना। ये लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत है और नीचे में यहाँ पे सीक्वेंस का डिटेलिंग की है जो इस लहंगे की और भी ज्यादा खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इसकी मैं फ्लेयर की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे फ्लेयर के लिए आपको यहाँ पे कुछ नेट मिल जाता है जो और ज्यादा वॉल्यूम ऐड करेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ अस्तर मिल जाता है एक लेयर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कैन भी दी गई है और नेक्स्ट यहाँ पे कैनवास दिया गया है। आपके लहंगे को वॉल्यूम ऐड करने के लिए ना कोई कसर छोड़ा नहीं है, सारे चीजें इसमें इस लहंगे में अवेलेबल है। आपको अलग से कोई भी एक्सटेंशन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है इस लहंगे में, कैंकी अगर आप चाहती हो अलग से यूज करना कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें प्लेयर को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ना कोई कसर नहीं छोड़ा गया है, हर चीजें इसमें ऐड की गई है। तो इस लहंगे में बहुत ज्यादा फ्लेयर मिलने वाला, 5 लेयर आपको मिलते हैं इसके अंदर। और इसकी वेट की मैं बात करूं तो इस लहंगे की बिल्कुल भी वेट नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है और बिल्कुल आपको हेवी नहीं लगेगा। और ये देखने में जैसा लग रहा है ना हेवी होगा बट हेवी नहीं है। इस लहंगे की लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, आप देख सकते हो तो बहुत ज्यादा लंबा लहंगा है। अगर कोई गर्ल छोटी है उनको लग रहा है इस लहंगे का लेंथ कटने के बाद हमारा जो ये वर्क है ये खत्म हो जाएगा या तो फिर ये चीजें, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये लहंगे मैंने क्या किया है, मैंने ये नीचे से मैंने थोड़ा सा कट की हूँ, ठीक है। और देन मैंने 1 इंच हमने यहाँ से ये जो डोरी का पार्ट है मैंने कट करके इस लहंगे को मैंने अपने साइज का मैंने बनवा लिया है। तो ये लहंगा मेरे पे बहुत अच्छे से जा रहा है। तो ये लहंगा का आप देख सकती हो फट इस तरीके से करा सकती हो। और हाँ, जब इस लहंगे का अगर आप फिट करा रही हो अपनी अकॉर्डिंग, इसकी जो कलियां है ना इसे थोड़ा सा शॉर्ट करा लेना वरना वो चुन बन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इसके साथ आपको एक ब्लाउज पीस मिलता है और मैं इसका स्टिच में ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ ब्लाउज। तो आपको ये वाला जो नेट है ना ये अलग से आपको मिलते हैं और इसके साथ आपको अस्तर मिल जाता है लाइनिंग, तो आपको अलग से लाइनिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। देन आप इसे स्टिच करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा मैंने वैसे मैं इसे दोनों तरफ में की हूँ। वैसे लहंगे में दिया हुआ मल्ली फ्रंट के लिए, मेरा बॉडी थोड़ा स्लिम था जिसकी वजह से मेरा दोनों आगे पीछे दोनों ही हो गया। तो अगर आपके ब्रेस्ट साइज 28 से 32 तक है तो आराम से आप दोनों तरफ बनवा सकती हो, अगर उससे ज्यादा है 32 से तो आपको मतलब प्लेन कपड़े ही लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये ब्लाउज मैं खुद ही सी ली हूँ, प्लीज कमेंट करके बताइएगा मैं इस ब्लाउज का डिजाइनिंग कैसा की हूँ, इसकी स्टिचिंग कैसी है, मुझ पे कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट करके बताना ये ब्लाउज, क्योंकि ये ब्लाउज मैंने खुद ही डिजाइन की है और मैं खुद ही इसे सिली हुई हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ आपको ये दुपट्टा मिलता है और ये दुपट्टा बहुत ज्यादा लाइट वेट है और देखने में ही लाइट वेट लग रहा है क्योंकि इसमें वर्क ही नहीं है। और वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है वर्क की, क्योंकि जब लहंगे की जब पूरा एम्ब्रॉयडरी किया फैंसी लहंगा होता है उसके साथ अगर दुपट्टा भी फैंसी दे दे तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा किसको हाईलाइट करे, है कि नहीं। कुछ लोग चाहते हैं दुपट्टा को हल्के, क्योंकि उसमें ज्यादा वर्क होता है तो दुपट्टा को हम लोग ज्यादा उसे लपेटना चाहते हैं थोड़ा
अच्छा है कि नहीं, कितने लड़के हैं प्लीज कमेंट करके बताना। अगर आप दोनों चीजें आपको एकदम हेवी हेवी हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा आपको हाईलाइट करना है, लहंगा को हाईलाइट करना है या दुपट्टा को। तो यहाँ पे अगर लाइट वेट है और सिंपल दुपट्टा है तो काफी अच्छा है। तो ये जो दुपट्टा है इस पे आपको थोड़ा सा आपको सिक्वेन का वर्क लाइनिंग आपको पूरे चारों ओर मिलेंगे, बस यही है दुपट्टे में और कुछ नहीं है। दुपट्टा की लेंथ बहुत बड़ी। आई होप आपको इस लहंगे के रिव्यू आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इस लहंगे को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से परचेज कर सकते हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ, अगर आप अदर वेबसाइट से अगर परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लहंगे का, जैसे आप मीशो पे जाकर देखोगे तो कुछ लहंगा है जो 2000 के वहाँ पे 800 में 900 में दे रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस होती है क्योंकि उसमें फ्लेयर कम होता है। या तो मैं अमेजोन से फ्लिपकार्ट से लेती हूँ, मैंने बहुत ज्यादा छानबीन की है, मैंने बहुत ज्यादा इस रिसर्च की है, तब जाके मैं ये लहंगा परचेज की हूँ। मैंने काफी लोगों का रिव्यू मैंने देखा है तो उसमें ये पता चलता है उसमें फ्लेयर कम होती है या तो फिर कुछ वर्क होते हैं यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं कम होते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। जिस वेबसाइट का जो लहंगा है, यानी कि ये जो लहंगा है ये जटकी का ओरिजिन है जहां तक मुझे पता है, जो मैं रिसर्च की हूँ उस बेसिस पे, तो जटकी से आप परचेस करते हो तो ये लहंगा का फ्लेयर या तो मटेरियल क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी में कोई कम्प्रोमाइज आपको करने को नहीं मिलेंगे। अगर अदर वेबसाइट से लेती हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट दिखेंगे। तो मेक श्योर अगर आप परचेस करना चाहती हो कोई फैंसी इस तरह की लहंगा तो आप जटकी से परचेस कर सकती हैं। तो ये लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इस लहंगे के लिए मुझे बहुत ज्यादा कम्प्लीमेंट्स मिली और आप इस लहंगे में प्रिंसेस से कम नहीं लगने वाली हो, ट्रस्ट मी। अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है, अगर आप वेडिंग में पहनना चाहते हो या तो फिर आप सिस्टर के साथ ही एज ए वेडिंग गेस्ट हो तो भी आप पहनोगे ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये लहंगा, जरूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, और इस तरह की और भी न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं लहंगे का रिव्यू तो प्लीज आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। वैसे मैंने एक और भी लहंगा मैंने ऑर्डर प्लेस किया, वो लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये पर्पल कलर का लहंगा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरी दिल को छू गया है। तो मैं इस लहंगा को परचेस करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये लहंगा कैसा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी कैसी है, इसकी डिटेलिंग कैसी है, टेक्सचर कैसा है, ठीक है, करूंगी। तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं बहुत जल्दी इस लहंगे का भी रिव्यू लेके आने वाली हूँ। भाई आप न्यू वीडियोज देखना चाहते हैं मेरी, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन का भी ऑप्शन मिलेगा उसे ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए, सके और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए। अपकमिंग वीडियोस में मैं एक और लहंगा का रिव्यू लेके आ रही हूँ, तो अगर आप उसका लहंगा रिव्यू भी देखना चाहती हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, और हाँ वीडियो पसंद आती हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड और किसी भी सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो